है करनाल की, जहां करनाल के फूसगढ़ रोड स्थित एमडीडी बाल भवन के एक मंदबुद्धि व अंधता से पीड़ित बच्चे की सिख परिस्थितियों में मौत हो गई है। यह जानकारी देते हुए एमडीडी भवन के प्रेसिडेंट ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि बाल भवन में लगभग एक महिला पहले एक बच्चा आया था जो अचानक नीचे गिरा हुआ मिला था, जिसको तुरंत एम्बुलेंस मंगवाकर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां पर बच्चे की ECG एवं अन्य चेकअप करवाए गए, जिसको डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। मौके पर महिला एवं बाल कल्याण समिति के चेयरमैन उमेश चांदना व उनकी टीम पहुंची। उन्होंने सारे मामले का बारीकी से निरीक्षण किया और तुरंत कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से वापस फूसगढ़ रोड स्थित MCD बाल भवन में पहुंचे। बच्चे के बारे में पूरी जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई करने की बात कही। गौरतलब है कि MDD बाल भवन काफी अरसे से अनाथ आश्रम के रूप में बच्चों का पालन पोषण कर रहा है और काफी तादाद में बच्चे यहां पर रह भी रहे हैं। हाँ जी, क्या मैटर हुआ? हमारे पास एक बच्चा भी एक महीना पहले ये गूंगा बहरा और अंधा था, तो ये हमारे पास MDD 2 में वहाँ रह रहा था। तो जो हमारा वो केयर टेकर है वो अंदर दूसरे बच्चों के टॉयलेट साफ कर रहा था, पीछे बाहर आया तो ये बच्चा बाहर पड़ा हुआ मिला है। इन्होंने जैसे हमें इन्फॉर्म किया, फटाफट हमने एम्बुलेंस अपनी निकाल के और इसको कल्पना चावला में लाए हैं। कल्पना चावला में लाने के बाद यहाँ इसकी ECG की गई है। ECG करने के बाद इन्होंने इसको डेड जो है वो डिक्लेयर किया। तो क्या गिरा था बच्चा? अब ये तो वहाँ जाके कारणों का तो वहाँ जाके पता लगेगा ना। वो तो पहले तो फर्स्ट एड के लिए हमें जैसे ही इन्फॉर्म किया, फटाफट हमने इसको यहाँ लाने का प्रयास किया, किसी तरीके वहाँ पहुँच के इसको सेव किया जा सके। कौन कौन आया है मौके पे? मौके पे CWC से चेयरमैन साहब आए हुए हैं, DCP और मैडम आई हुए हैं और हमारी संस्था के सभी लोग आए हुए हैं। सर, ऐसा ये बच्चा ब्लाइंड था और डिफरेंट डेंस कैटेगरी का था, और अभी हम लोगों ने तो अभी भी पता लगा कि अचानक ही इसकी डेथ हो गई है। और अभी हम लोग आए हैं, देखते हैं, बात करते हैं, वहाँ जा रहे हैं, जगह का मौका मुहैया करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, वहाँ जाके पता लगेगा क्या हुआ है। बता रहे हैं बच्चा गिर गया था वहाँ पर लापरवाही के कारण। अभी तक हमें ऐसा पता नहीं है, तो केवल इतना ही पता लगा कि बच्चा बाहर गिरा हुआ पाया है। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या मामला है। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।